मथुरा के बीएससी कॉलेज पर आधा दर्जन से अधिक अराजक तत्वों द्वारा एलएलबी के छात्रों से जमकर मारपीट की गई और उसे गाड़ी में डालकर अपहरण का प्रयास किया गया। मारपीट से लहूलुहान छात्र को गाड़ी में डालकर ले जा रहे अराजक तत्वों को पुलिस ने घेराबंदी कर भूतमेश्वर चौराहे पर दबोच लिया। बताया गया है कि एलएलबी के छात्र देवेंद्र कोसी का रहने वाला है, जिसे करीब 8 लोगों ने जमकर पीटा है। वहीं पुलिस ने घेराबंदी कर 4 लोगों को पकड़ लिया है, जबकि उसके अन्य साथी भागने में कामयाब रहे। आज फिर अराजक तत्वों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। घटना को देख चौराहे पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और मारपीट करने वालों को पुलिस अपने साथ ले गई। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। देखो सच्चाई बताता हूँ, दोस्त की बहन थी, उसको परेशान करता था। हमने कई दफ़ा उसके घर भी जाके बोला कि भैया ठीक नहीं लगता। उसके पापा को भी बोला, जब बोला मैं वकील और मैं अपने लड़के को एलएलबी करवा रहा हूँ बीएससी कॉलेज से। तो तुम कहाँ उसे किडनैप कर ले जा रहे थे? अरे उसके घर ही ले जा रहे थे, हमें उसे कहीं नहीं ले जाना, नहीं हमें मारना था। क्योंकि कल उसके घर पर हम राजीनामा के उसके हाथ हमारी हाथाई हो गई थी 1-2 दिन पहले। तो उसने कोई बात नहीं आता, उसके पापा ने बोला कि घर आके राजीनामा कर लो। ठीक है जी, मैं आ रहे। जब हम राजीनामा करने गए तो मैं बैठा था पीछे से, आके उसके लड़के ने मुझ पर हाथ चलाया और लाठी लेके मार दिया था मेरे ऊपर। सही है, सही तो नहीं, पर उसके पापा को एक बार फैमिली में तो बोलना चाहिए, वो हमने बोला था। कौन कौन लोग थे तुम्हारे साथ जो मारपीट किया? वो 7 के थे, वो भी आ जाएंगे। कितने लोग थे? हम करीब 8-7 जने थे। कौन सी गाड़ी में थे? एक स्कॉर्पियो थी, एक स्विफ्ट थी। तो मैंने देखा, मैंने क्या है ये, क्या है? तब तक ये लड़के भागने लगे, तो मैं उस गाड़ी को छोड़ के भागा एक लड़के के पीछे, उसको मैंने पकड़ लिया, दौड़ा के बहुत दूर में भागा। वहाँ पे मुकुल कोसी का बता रहा है, तो मैं इसको पकड़ा, ये बहुत छल रहा था भाग गया निकल के। दूसरे को मैं दूसरे मैंने आदमी से बताया कि उसको पकड़ो, तो तुमने किया तो वहाँ पर क्या इरादे थे उन लोगों के? ये बता रहा है कि मेरी बहन को छेड़ते हैं, मैंने पकड़ा अभी, ये बता रहा है बहन को छेड़ते हैं, तो इसलिए मैं इसी को क्या करता मुझे इन लोगों ने मारपीट भी की।